देखिए, इस टॉपिक के ऊपर मेरे को काफी टाइम से डिस्कस करना था, ठीक है। इंडिया में फैंटेसी स्पोर्ट्स को लीगलाइजेशन मिला हुआ है, लीगल कैटेगरी में डाला गया, और हमारे जो बोल सकते हैं क्रिकेट बैटिंग, मैं सिर्फ क्रिकेट बैटिंग की बात करूंगा, उसको इलीगल बोला गया। सोसाइटी में सारी चीजें चलती नहीं, आप छुप छुप के सारी चीजें करते हो, चलती तो सब कुछ है, मतलब मैक्सिमम लोग करते तो हैं, बट इसको लीगलाइजेशन नहीं मिला, बल्कि इंडिया के बाहर ये लीगल है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो लोग इलीगल काम कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उन्होंने किस बेस पे फैंटेसी, और भी बहुत सारे फैंटेसी स्पोर्ट्स आ गए, आपको मालूम होगा, कार्ड गेम, ये गेम, सबको लीगल बोला जा रहा है, ठीक है। और क्रिकेट बैटिंग, जिसमें मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा स्किल लगता है, उसको इलीगल बोला गया। वीडियो के एंड तक मैं आपका माइंड ने चेंज कर दिया तो मेरा नाम भी मिस्ट्री नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं उन्होंने किस बेसिस पे इन दोनों को डिवाइड किया है, लीगल और इलीगल के बीच में। एक गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस है, ठीक है। मैं अपना पॉइंट ऑफ रखूंगा कि कौन सा इसमें ज्यादा सेफ है, ठीक है, और क्या एडवांस प्रेडिक्शन और लाइव प्रेडिक्शन में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं किस बेसिस पे फैंटेसी स्पोर्ट्स लीगल है, गेम ऑफ स्किल के बेसिस पे, ठीक है। गेम ऑफ स्किल क्या होता है? उनका यह कहना है कि जो फैंटेसी स्पोर्ट्स में जो बंदे टीम वगैरह बनाते हैं, उसमें उनका मेंटल और फिजिकल जो स्किल है वो ज्यादा लगता है। चांस की प्रोबेबिलिटी भी होती है, बट वो कम होती है, ठीक है। वो पास परफॉर्मेंस देखते हैं और ग्राउंड वगैरह देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो टीम बनाते हैं। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं कि भाई क्रिकेट बैटिंग में तो अपन लाइव मैच देखते हैं, वहां हमारा सबसे ज्यादा मेंटल और फिजिकल, आप बोल सकते हो अपन पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली डाउन हो जाते हैं एक अच्छे मैच खत्म होने के बाद। जब अपन मैच लाइव देखते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि पिच को ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, प्लेयर परफॉर्म करेगा कि नहीं, वो तो आप एडवांस में बोल रहे हो कि आज ये अच्छा खेलेगा, और हम मैच लाइव देख के बोल रहे हैं कि यार बॉलर कैसी बॉलिंग कर रहा है, ये जो बैट्समैन है वो 20 रन बनाएगा कि नहीं, 30 रन बनाएगा कि नहीं, वो किस हिसाब से खेल रहा है, उसके अकॉर्डिंग कि बल्ले के बॉल पे मिडल आ रही है कि नहीं, वो प्लेयर आज खराब खेल रहा है, रैश शॉट खेल रहा है, वहां अपन ज्यादा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और इसमें ज्यादा स्किल लगती है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये मेरी थिंकिंग है, ठीक है। पहले से ये सोच लेना, ये आगे भी मैं डिस्कस करूंगा, जैसे एक तरह से वेदर प्रिडिक्शन हो गया कि भाई 12 से 3 के बीच में बारिश होगी कि नहीं, अपन पहले से डिस्कस कर लिए, पहले से सोच लिए कि 12 बजे के पहले, बल्कि लाइव में जब 1 बजेगा तो समझ में आएगा कि हाँ बारिश होने की चांसेस ज्यादा है, तो वहां स्किल नहीं लग रही क्या? वहां आप स्किल के साथ साथ आप ज्यादा रियलिटी में जी पा रहे हो। सेम ये आप बोल सकते हो स्टॉक मार्केटिंग में होता है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अब गेम ऑफ चांस क्या होता है? इन्होंने बेटिंग को इलीगल बोला है गेम ऑफ चांस के लिए, क्योंकि इनका कहना यह है कि हालांकि इसमें नाम आपका रूले का आता है, आपका आप बोल सकते हो कार्ड गेम का आता है, जहां चांस पे ज्यादा आउटकम डिपेंड होता है, ना कि आपके स्किल पे। मतलब हद हो गई, प्लेयर का परफॉर्मेंस, वो जो बंदा 11 प्लेयर बना रहा है वो ये बोल रहा है कि ये प्लेयर खेलेगा, और हम मैच लाइव देख के बोल रहे हैं 20 रन बनाएगा कि नहीं, 30 रन बनाएगा कि नहीं, ये टीम जीतेगी कि नहीं, उसमें कोई स्किल नहीं लग रहा। देखिए फैंटेसी में हम लोग आराम से डिस्कस इसको करेंगे, फैंटेसी में एडवांस में हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। प्लेयर 22 में से 11 प्लेयर लिए जाते हैं, उनके हिसाब से 11 प्लेयर फ्लॉप होंगे, ठीक है। और हम लोग जो प्रिडिक्ट करते हैं वो लाइव मैच में करते हैं, जो कि ज़्यादा क्लोज होता है। मतलब अब हम देखते हैं यार कि मैच सिचुएशन क्या है। अब जैसे मान लो कि किसी ने प्लेयर लिया, चौथे नंबर के प्लेयर को लिया, ठीक है, ये सोच करके कि उसकी बैटिंग आएगी, बट अगर अपन लाइव देख रहे हैं, मान लीजिए पहला विकेट ही नहीं गिरा, विकेट आपका गिरता है 12 ओवर में, तो वो चौथे नंबर के प्लेयर की तो बैटिंग ही नहीं आ रही, तो इसमें कौन सी स्किल लगी? वो तो भाई आप तुक्का लगा रहे हो ना कि वो प्लेयर आएगा, खेलेगा, उसके बाद होगा। बल्कि अगर अपन मैच देख रहे हैं तो ये तो एकदम क्लियर है कि भाई वो प्लेयर बैटिंग ही नहीं करेगा, तो उसके ऊपर कुछ अपने को बैटिंग नहीं खेलनी। जो प्लेयर खेल रहा है उस हिसाब से अपन खेल सकते हैं। मेरे को तो बहुत सारी चीज़ें जो समझ में नहीं आती, जैसे प्लेयर इंजर्ड हो गया तो अपन उस पर कोई बेट नहीं कर रहे हैं अब। बल्कि अगर आप फैंटेसी में पहले से प्लेयर के बारे में सोच रहे हो, इंजर्ड हो गया तो आपके सारे पॉइंट्स चले गए, तो भाई ये तो आप एक तरह से तो इसको भी तुक्का ही बोलेंगे। अगर आप मान लीजिए लाइव मैच में देख रहे हो तो उसमें तो आप ज़्यादा रियलिटी में सारी चीज़ें कर पा रहे हो। इसको एंड में डिस्कस करेंगे। देखिए एडवांस प्रेडिक्शन और लाइव प्रेडिक्शन में मैं समझता हूँ जमीन आसमान का अंतर है। मैं ये नहीं बोल रहा फैंटेसी स्पोर्ट्स में जो बंदे ये कर रहे हैं, बल्कि उनको जैसे मैं कहाँ तक ये जो सुनता हूँ कि ये इलीगल है, तो भाई अगर आप लोग ये काम कर रहे हो तो जो ये क्रिकेट बैटिंग है आप करके देख लो, वो जो आप करते हो ना इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप वहाँ अगर कुछ जीत भी रहे हो ना तो यहाँ आप मोटा लॉस खाओगे, और आपको समझ आएगा कि एक्चुअल स्किल क्या होती है मैच लाइव देख के। कोई भी प्रिडिक्शन जैसे आप करते हो, मान लो कि मैं यहाँ किसी को गलत या सही नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आप इस फील्ड को लीगल बोल रहा हूँ जो मेरे हिसाब से लीगल होनी चाहिए। अगर स्किल की बात हो रही है तो इस ग्राउंड में 190 बने, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने टीम में प्लेयर उठा लिए, ठीक है, कुछ बैट्समैन उठा लिए, उस हिसाब से ओपनर उठा लिए। बल्कि भाई एक ही पिच पे 190 भी बनते हैं, नेक्स्ट 120 भी बनते हैं, वो तो भाई जब आप मैच लाइव देखोगे तो समझोगे कि बॉल नीचे खा रही है या तो ज़्यादा स्पिन कर रही है, तो उसमें ज़्यादा स्किल लग रहा है कि आपके एडवांस प्रेडिक्शन में ज़्यादा स्किल लग रहा है। एडवांस प्रेडिक्शन तो टोटली बेस्ड हो गया कि भाई ऐसा होगा, ऐसा होगा, हुआ नहीं है, ठीक है। जैसे स्टॉक मार्केट में क्या है कि दोनों लीगल है, बंदे एडवांस में भी परचेज और सेल करते हैं और लाइव में भी इंट्राडे करते हैं, और दोनों ही लीगल है, तो भाई फिर क्रिकेट बैटिंग क्यों इलीगल है? फैंटेसी में एडवांस में हो रहा है बट लाइव में नहीं हो रहा, बल्कि लाइव में तो कुछ फैंटेसी वाले ने भी आधे घंटे के बाद ये हो गया वो हो गया, तो वो सब तो लाइव में ही तो हो गया कि आप प्लेयर चेंज कर सकते हो। क्रिकेट बैटिंग में ये सारी चीज़ें बंदे मतलब हमारे इंडिया में इलीगल है, और यही इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइव प्रेडिक्शन इज मोर, आप बोल सकते हो, रिक्वायर स्किल्स देन एडवांस प्रेडिक्शन। देखिए कौन सा सेफर है? देखिए फैंटेसी में तो अपन मान लीजिए पैसा लगा दिए, ठीक है, अब या तो अपन हारेंगे या तो जीतेंगे, सिंपल है। अगर अपन मान लीजिए क्रिकेट बैट में अपना पैसा डाल रहे हैं तो वहाँ अगर सेशन हम लोग यस कर रहे हैं तो बाद में अकॉर्डिंग टू द प्लेयर अगर मार दिया तो अपन डिब्बी बना करके अपना पैसा सेव कर सकते हैं।
टीम में 20 पैसे पे खा करके 40 पैसा 50 पैसा है, टीम फेवरेट पे बोथ साइड बुक सेट कर सकते हैं। तो यहाँ तो हमारे पैसे और सेफ हो गए ना, तो ये तो और सेफ हो गया अगर देखा जाए तो। फैंटेसी में तो आपने पैसे डाले, अब आपका रिजल्ट क्या होगा वो आप देख लो। और अगर अपन क्रिकेट बैटिंग कर रहे हैं तो इसमें यहाँ पे तो पैसे ज़्यादा सेफ हैं, आप तो मैच लाइव में अपने पैसे बचा भी सकते हो, बुक सेट भी कर सकते हो। तो ये है, तो इसमें तो मेरे हिसाब से पैसे की अगर बात आए तो ज़्यादा पैसा तो सेव हमारा क्रिकेट बैटिंग में। अब जैसे प्लेयर परफॉर्मेंस होता है, आप बंदे उसी बेसिस पे लगाते हैं कि प्लेयर अच्छा खेलेगा, जैसे मोर फैंटेसी पॉइंट होते हैं, कैच पे इतना मिलेगा उतना मिलेगा, और हम लोग भी वही करते हैं, प्लेयर का रन यस या नॉट करते हैं मैच लाइव देख के। और यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब अपन लाइव मैच देखते हैं तो कैसा पिच बिहेव कर रहा है, बॉलर कैसी बॉलिंग, कभी कभी बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं करता उस दिन, तो जिसने एडवांस में ले रखा है उसने तो यही सोचा है अच्छी बॉलिंग करेगा, बट अपन जब लाइव देख रहे हैं पहले ओवर में वो मरा गया है तो इसका मतलब आज उसका दिन नहीं है, हो सकता है उसको दूसरा ओवर मिले भी ना। कोई प्लेयर पहले बॉल से ही अच्छी बॉलिंग करने लग जाता है, बैट्समैन देख के समझ आता है कि आज इसके बल्ले पर बॉल नहीं आ रही तो आज ये नहीं खेल पाएगा, कुछ कुछ प्लेयर पहली बॉल से ही मारना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ आप मैच लाइव देख के ही समझोगे और उसके बेसिस पर ही मैक्सिमम जो हम लोग यस या नॉट करते हैं। तो इसमें तो स्किल लग रही है ना भाई, मेंटल और फिजिकल, जो हम लोग मैच लाइव देख के कर रहे हैं। देखिए मैच ट्रेडिंग की अगर बात करें तो वहाँ तो मैच ट्रेडिंग होती नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे मैच में पैसे डाल रहे हैं अपने हिसाब से, किसको किस टीम को रेट सपोर्ट कर रहा है, आप बोल सकते हो कौन सा प्लेयर कैसी बैटिंग कर रहा है, कौन सा प्लेयर कैसी बॉलिंग कर रहा है अपनी स्ट्रेटजी से, तो इसमें तो ज़्यादा स्किल लग रहा है ना भाई। और मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा स्किल कहीं लगी नहीं सकता, मैच ट्रेडिंग इज द टफेस्ट थिंग आई हैव सीन इन माय लाइफ, ठीक है। और अपन पैसा भी बना सकते हैं बोथ साइड। देखिए दोनों ही केस में गैस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं 10 टीम डाल देते हैं ग्रैंड लीग में गेस के बेसिस पे, जैसे अभी हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू देखा था कि उसने ग्रैंड लीग जीत ली थी और वो बंदा क्या बोलता है, मेरे को तो प्लेयर का नाम भी नहीं पता, मैं तो सिर्फ टीम लगा दिया और उसने करोड़ों रुपए जीत लिए और बंदे हारते भी हैं करोड़ों रुपए, ठीक है। और कुछ लोग इसको नॉलेज से करते हैं, फैंटेसी में कुछ लोग हैं जो टीम कंबिनेशन के हिसाब से, हाँ भाई ये प्लेयर करके 11 प्लेयर सेलेक्ट करके वो ग्रैंड लीग में डालते हैं, तो वो उनकी प्योर नॉलेज होती है, इसलिए आप उसको लीगलाइजेशन का कैटेगरी में डाले हो। सेम क्रिकेट बैटिंग में भी होता है, कुछ लोग तुक्केबाजी में टिपिंग करते हैं, तुक्केबाजी में खेलते हैं ये यस होगा नॉट होगा, और कुछ लोग सोच के खेलते हैं, तो यहाँ भी वो 50-50 का रेशियो आ गया। तो जो लोग सोच के खेल रहे हैं, जो लोग ये सारी चीज़ अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए लीगल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तब तो भाई आप दोनों को लीगल करो ना, तुक्केबाजी को भी लीगल कर रहे हो तो भाई फिर उसको भी लीगल करो। ग्रैंड लीग में तो यही सारी चीज़ें चलती है ना भाई, बंदा तो एक टाइम के बाद टीम बनाना ही छोड़ देता है, बस 11 प्लेयर सेलेक्ट करके छोड़ देता है, उसको थोड़ी आप बोल सकते हो वो थोड़ी कोई स्किल में आया, वो कहाँ से स्किल में आया फिर, उसमें भी तो तुक्केबाजी हो रही है। जैसे शेयर मार्केट में भी अपन यही बोलते हैं कि कुछ बंदे खाली आ जाते हैं पैसा डाल देते हैं किसी के टिप के बेसिस पे, अपना तुक्के के बेसिस पे कि ये शेयर ऊपर जाएगा, उनको कोई नॉलेज नहीं होती। आधे से ज़्यादा लोग तो फेक सर्टिफिकेट लेकर के स्टॉक ब्रोकर बन जाते हैं, ये सारी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, लोगों के पास कोई नॉलेज नहीं होती, बल्कि एटलीस्ट स्टॉक मार्केट में लोग एक उम्र के बाद ही आते हैं, बल्कि अभी इसी के ऊपर मैं बात करूंगा, ये सबसे मेन है। मैं कंक्लूजन रखता हूं आपके सामने, वीडियो तो चाहे जितना बड़ा भी बना सकता हूं, इसको पढ़िएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये बोलने के लिए नहीं हूँ कि आप इसको लीगल करके टैक्स कलेक्ट करो या तो ब्लैक मनी इससे कर्ब होगा, ठीक है, इलीगल एक्टिविटी, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट को इन सबसे ज़्यादा नॉलेज है, मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, वो क्या ये सारी चीज़ किस बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। मेरा ये जो वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ उनके लिए है जो ये चीज़ अपने दिल से करते हैं क्रिकेट बैटिंग को, और सोसाइटी से वो हाइड करते हैं, छुपते हैं, क्योंकि इसको इलीगल बोला गया, किसी को पता चलेगा यार ये बैटिंग कर रहा है तो लोगों की नज़र में लगेगा यार तो गलत काम कर रहा है। भाई क्या गलत काम कर रहे हैं, अपन क्राइम थोड़ी कर रहे हैं, अपन क्राइम थोड़ी कर रहे हैं। बाहर तो ये लोग अपना एकदम शान से ये सारी चीज़ करते हैं और फैमिली को फीड भी करते हैं। आप काफ़ी लोग को देखो भाई यहाँ पैसे भी बना रहे हैं मैच ट्रेडिंग वगैरह में अच्छे तरीके से। अब आप यहाँ पे अगर आ जाओ तो 18 साल का लौंडा जिसने अभी 12 क्लियर किया है वो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा। मैंने तो जब 18 साल में था तो भाई मैं पढ़ाई करता था, 24-25 साल तक मैंने पढ़ाई की, मेरे को तो ये सारी चीज़ के बारे में वो भी नहीं था। अब यहाँ 18 साल का लौंडा सोचता है मैं ग्रैंड लीग जीत जाऊँ, अपने पैसे अपने उसके पास तो कोई पैसा होता नहीं, गवर्नमेंट ने तो 18 साल का वो बोला है बट उसके पास कोई पैसा तो है नहीं, अपने फादर का ही पैसा डाल रहा है, पढ़ाई में दिमाग लगा नहीं रहा, क्रिकेट में एडवांस बैट ये सारी चीज़ कर रहा है, इसको आप क्या बोलोगे भाई? आप ये तो हमारा यूथ खराब हो रहा है, बल्कि ये जो जॉब हम लोग के ये इस फील्ड में अगर आप देखोगे तो फिर भी अच्छा खासा रेशियो है कि लोग अपने ही पैसे से डालते हैं, जॉब कर लिया उसके बाद बिजनेस इनकम से ही सारे में डालते हैं, तो ये बेटर हुआ कि वो बेटर हुआ? वहाँ तो आपने 18 साल से इसको लीगल किया है तो बंदा तो भाई इसमें घुसा रहेगा कि पढ़ाई में घुसा रहेगा? अरे भाई यहाँ तो इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि पूरे दिन पढ़ाई करके भी आप बोल सकते हो कि आपकी नौकरी लगेगी क्योंकि नहीं, ये डाउट हो जाता है। तो किस बेसिस पे ये लीगल है मेरे को, ये तो यूथ खराब हो रहा है। अगर यूथ आपका फैंटेसी में खराब नहीं हो रहा, फैंटेसी के अलावा भी हजारों चीज़ें खुल गई हैं जो सब लीगल है क्रिकेट बैटिंग को छोड़ के, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। एंड में मैं यही बोलूंगा यार, क्रिकेट बैटिंग जोक नहीं है, इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ स्किल लगती है। और मैं कोई हैरा गहरा नत्थू खहरा नहीं हूँ जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने अपने लाइफ में वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम क्लियर किया है, मैं अपने आप को एज ए मिस्ट्री ही रखता हूँ और हमेशा मिस्ट्री ही रखूंगा, ठीक है। मैंने अपने स्कूल में अच्छी मेरे मार्क्स आते थे, उसके बाद मैंने जो एग्जाम क्लियर किया इट वॉज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, मैंने जॉब ली अच्छे से इंटरव्यू वगैरह दे करके, उसके बाद इस फील्ड में आया। और मेरा कहना यह है कि जब अपन स्टार्ट में पैसा हारते हैं तो अपन टैक्स के बारे में नहीं सोचते, हमारा बैंक खाली होता जाता है, और जब अपन पैसे जीतते हैं तो अपन सोचते हैं यार बैंक में डालेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। मतलब हर तरीके से क्रिकेट बैटिंग में जो ये बंदे घुसे हैं, जैसे मैं अपने आप को भी बोलूं तो हम लोग तो कहीं के रहे ही नहीं, ठीक है। जब भाई अपन लाखों रुपया हारते हैं तो फिर तो भाई जो ये जहां ये पैसा जा रहा है वो तो कहीं तो लीगल है ही नहीं, तो अपन उस टाइम पे टैक्स के बारे में नहीं सोचते। और जब अपन जब पैसा जीतते हैं तो यार अब टैक्स के बारे में दिमाग में आता है यार कि अपने बैंक अकाउंट में पैसे जा रहे हैं।
हर चीज़ में अपने को ही प्रॉब्लम है। तो ये मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आज के दिन में ये लीगल हो जाता है, ठीक है, मैं अपनी कोचिंग खोल सकता हूँ, अपनी एक कंपनी खोल सकता हूँ, लोगों को जॉब दे सकता हूँ, इसके बारे में लोगों को बता सकता हूँ, मतलब इस फील्ड में भी जैसे होता है ना, स्टॉक मार्केट में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ, पेपर ट्रेडिंग करवाना सिखा सकता हूँ कि एक टाइम के बाद आप अच्छे पैसे यहाँ बनाने लग जाओगे, बहुत अच्छे पैसे बनाने लग जाओगे, ठीक है। बट ये तभी हो सकता है जब ये लीगल हो जाएगा। इसमें मैंने अपने पूरे 5 साल 6 साल दिए हैं, सोसाइटी से हट के रहा हूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी क्रिकेट बैटिंग को। बट मैं समझता हूँ यार, इसमें पैसे हैं, अगर बंदा सही तरीके से खेलेगा, सही तरीके से अपनी इनकम डालेगा, अगर ये सारी चीज़ लीगल होगी तो वो अपने बैंक अकाउंट से ही डाल सकता है, तो उसके पास इनकम भी होनी चाहिए, है ना। एडवांस में यहाँ तो क्या है कि भाई लोग अभी क्या एडवांस में खिलवा देते हैं, क्योंकि सबको मालूम है जो बुकी वगैरह कि भाई ये पैसा हार जाएगा, फिर बाद में जाकर उसको धमकाते हैं। आई रियली वॉन्ट इट टू गेट लीगल, और मेरा मानना है कि इससे ज़्यादा स्किल मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी, इससे हाईएस्ट लेवल ऑफ स्किल क्रिकेट बैटिंग के अलावा मैंने कहीं नहीं देखी। मैंने जिंदगी में टफ से टफ काम किया है, बट इससे ज़्यादा स्किल तो कहीं है ही नहीं, तो क्यों ये इलीगल है, यही मेरा क्वेश्चन है। मैं आप लोग को ये बोलूंगा यार, अपने आपको गिल्ट में मत आओ, ठीक है। बाहर इलीगल थोड़ी है ये, इंडिया के बाहर काफ़ी कंट्रीज़ में इलीगल है, तो अपन कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं। और अगर फैंटेसी लीगल है तो मेरा ये कहना है भाई, अगर फैंटेसी लीगल है तो इसको भी लीगल करो, अगर फैंटेसी इलीगल है तो फिर इसको भी लीगल करो, सीधी सी बात है। तो ये सारी चीज़ अगर आप सोचोगे यार, फैंटेसी में 18 साल का एक लड़का आकर के वो फैंटेसी खेलने लग जाता है, उसका सोच होता है कि भाई मेरे को थार मिलेगी, मेरे को मतलब इतने बड़े बड़े लोग प्रमोट करते हैं कि फर्स्ट प्राइज ये है तो सेकंड प्राइज ये है तो फर्स्ट प्राइज क्या होगा, ये सब भाई उनको ये गलत नहीं लगता, तो फिर क्रिकेट बैटिंग में भाई क्या गलती है आप मेरे को ये बताओ। हर जगह ये सारी चीज़ का न्यूज़ आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, आप रोक भी नहीं पा रहे हो, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह आ रहा है हर जगह, तो ये चल रहा है, तो आप इसको लीगल क्यों नहीं कर रहे। और अगर स्किल की बात आए, अगर मैं वीडियो सिर्फ इस बेसिस पे बनाया, अगर स्किल की बात करें ना, तो आपने एक मैच के एडवांस में प्रेडिक्ट किया कि ये प्लेयर खेलेंगे, ये वो होगा, और मैं ये मानता हूँ कि जो लाइव मैच देख करके जितना स्किल लगता है वो कहीं नहीं लग सकता। तो जो भी ये चीज़ कर रहे हैं आप सबसे पहले सोचो, ठीक है, आप गिल्ट मत महसूस करो, सबसे पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। और मैं तो यही मानता हूँ कि यार कि इससे ज़्यादा स्किल कहीं लगती नहीं। और अगर 18 साल का 19 साल का लौंडा आकर के अपना फैंटेसी में पैसे डाल रहा है, वो भी खुद के बेसिस पे नहीं डाल रहा, कई जगह से टिप वगैरह, इसमें क्या स्किल लग रही है यार। वो बंदे का पैसा खराब हो रहा है, उसका फ्यूचर खराब हो रहा है, उसको 4 साल 5 साल तक वो बंदे हारते हैं, 50 रुपया 100 रुपया 50 रुपया 100 रुपया। आप सोच लो डेली का, अगर आप 100 रुपया भी हार रहे हो ना, तो साल का कितना, 365-300 कर लो, ठीक है, वो आपके पैसे थे ही नहीं जो चले गए। लोग ग्रैंड लीग में एक एक दिन में 1000-1000 रुपये की हज़ारों टीम बनाते, कोई नहीं जीतता, कौन जीत रहा है यार, मेरे को तो समझ में। कुक्केबाजी में बंदा एक फर्स्ट ग्रैंड, अभी हाल ही में मैंने इंटरव्यू देखा, वो उसने पता नहीं कैसे जीत लिया, वो बोल रहा है मेरे को टीम के बारे में भी नहीं पता। तो इससे तो बड़ा तुक्का कोई हुआ ही नहीं। फिर यहाँ एक ही प्लेयर 10-10 टीम डाल सकता है, और इसमें कमीशन भी कितने कटते हैं। स्किल दोनों में है, मैं ये नहीं बोल रहा यार कि फैंटेसी में स्किल नहीं है इसमें, पर मैं बोल रहा हूँ अगर फैंटेसी में स्किल है तो क्रिकेट बैटिंग में उससे भी ज़्यादा स्किल है, या तो मैं बराबर मानूंगा बट उससे कम नहीं मानूंगा। गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस का जो ये एक अलग तरीके का ड्रामा चल रहा है, मैं ये समझता हूँ कि अगर स्किल की बात हो तो क्रिकेट बैटिंग में मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि इससे ज़्यादा स्किल कहीं है ही नहीं लाइव मैच खेल करके। सेम ऐसा ही होगा जैसे मैंने एडवांस प्रेडिक्शन आपको बताया कि बारिश होगी कि नहीं, बल्कि 1 घंटे में आप उसको ज़्यादा अच्छे से जज कर सकते हो, 1 घंटा देख के मौसम को कि और अच्छा जज कर सकते हो। पिच पहले से ही बता देना कि 180 बनेगा वो ईजी नहीं है, बल्कि आप मैच लाइव देखोगे, बल्कि भाई एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि पिच में 180 बनेगा 120 बन के डिफेंड हो जाता है वो, जब आप अपन मैच लाइव देखते हैं तो अपनी थिंकिंग पे होता है वो सारी चीज, उसमें स्किल लगती है ना। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूं। मेरे को नहीं मालूम क्यों फैंटेसी को इतना दर्जा मिल रहा है और क्रिकेट बैटिंग को नहीं मिल रहा, और मैं आप लोग से यही बोलना चाहूंगा, दिस इज द बेस्ट स्किल, आप बोल सकते हो मतलब सबसे ज्यादा स्किल अगर लगता है तो इसी में लगता है, और आपको इसका कोई गिल्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं आज नहीं तो कल ये लीगल हो जाएगा, क्योंकि बाहर की कंट्री में लीगल है, तो क्या वो लोग गलत का कोई गलत काम नहीं कर रहा, लोगों को ये गिल्ट हो जाता है यार कि हम गलत काम, हम लोग कोई क्राइम थोड़ी कर रहे हैं यार, अपना पैसा डाल के खेल रहे। और मैं तो वही बोल रहा हूँ, 18 साल के लौंडे से लाख गुना बढ़िया है कि जो एक जॉब करके 25 साल का जो मोर मैच्योर पर्सन है वो यहाँ पैसे डाले, और इसी कंपनी अगर इंडिया में वगैरह खुल जाए, वो सारी कोचिंग सेंटर वगैरह खुल जाए जहाँ ट्रेडिंग लाइव पेपर ट्रेडिंग करके आपको एक्सपर्ट बनाया जाए, तो शायद आप यहाँ से भी पैसे बना सकते हो फ्यूचर में। तो बस यही है, इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। मैं यही मानता हूँ कि क्रिकेट बैटिंग इज नॉट अ जोक एंड इट रिक्वायर्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्किल, बिकॉज मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीज़ की और इससे टफ चीज़ मैंने अपनी जिंदगी में देखी नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी मैं चलता हूँ।